नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, जिसमें आगामी लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार तय होंगे। ऐसा पहली बार है जब लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करे। ये रणनीति में एक बड़ा बदलाव है। बैठक के लिए बीजेपी के 19 राज्यों के पदाधिकारी पार्टी मुख्यालय पहुँच रहे हैं। बैठक के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल और दोनों उप मुख्यमंत्री, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, केरल के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, जम्मू बीजेपी के नेता रवि रैना समेत कई नेता पहुँचे हुए हैं। आज की बैठक में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात, असम, झारखंड, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, उड़ीसा, दिल्ली, मणिपुर, जम्मू कश्मीर की सीटों के पैनल को केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाएगा और प्रधानमंत्री भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। और आज सूत्रों के हवाले से खबर ये भी थी कि शायद तारीखों का ऐलान मार्च 1 या 2 को ही हो जाए। बहरहाल, आइए सीधे चलते अपने सहयोगी रवीश रंजन शुक्ल वहां पर मौजूद हैं। जी रवीश, वहां से क्या अपडेट, क्या हलचल इस समय? जी देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति में जिन पदाधिकारियों, नेताओं के साथ में, मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक होनी है, टिकट के बंटवारे पर चर्चा होनी है, वो सारे लोग पहुंच गए हैं। कुछ देर के बाद में खुद जेपी नड्डा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद में ये बैठक शुरू होगी। तो आप कह सकते हैं कि कुछ ही देर में ये बैठक जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की शुरू होने वाली है। ये बैठक इस मायने में भी बहुत खास है क्योंकि आपने देखा कि जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया था और चुनाव की तारीख की घोषणा भी नहीं हुई थी कि उससे पहले उन्होंने अपनी जो कमजोर सीटें हैं या सबसे मजबूत सीटें हैं उन पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया था। तो करीब करीब वही जो रणनीति है वो इस लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी अजमा रही है। 4 कैटेगरी में सीटों को बांटा गया है और आज जो है वो 3 कैटेगरी के ऊपर में बातचीत होगी। एक तो सबसे पहले जो मजबूत सीट है उनकी, बीजेपी की, जहां पर 2 बार से लगातार बीजेपी जीत रही है, उनके उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। मतलब उस पर एक आम सहमति कोर ग्रुप की बैठक में बन चुकी है। दूसरी जो नाम है, जो राज्यसभा के सांसद रहे हुए हैं, या तो उनका कार्यकाल खत्म हुआ है या फिर बीजेपी चाह रही है कि वो राज्यसभा के जो सांसद हैं वो अब लोकसभा का चुनाव लड़े, तो उनके नामों पर भी आज विस्तार से जो विचार मंथन है वो होगा। तीसरी जो कमजोर सीटें मानी जाती हैं, क्योंकि बीजेपी ने इस बार नारा दिया है कि इस बार 400 के पार, तो 400 के पार तभी बीजेपी जीत सकती है जब अपनी कमजोर सीटों पर पूरी ताकत सियासी झोंके और वहां पर वो जीते। तो यही वजह है कि इस बार कमजोर सीटें जो हैं, जो बीजेपी ने चिन्हित की हैं अपने सर्वे के आधार पर, या जहां पर बीजेपी 2 बार से लगातार हार रही है, उन सीटों के उम्मीदवारों पर भी आज जो है उनको फाइनल करने की संभावना है, ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से मिल रही हैं। क्योंकि उन सीटों पर जो प्रत्याशी उतारे जाएंगे उनको ज़्यादा मौका मिलेगा चुनाव प्रचार करने का, जो समीकरण है वहाँ पर सियासी उनको साधने का, और अगर वहाँ पर एक आक्रामक चुनाव प्रचार करने का, तो अभी कुछ ही देर के बाद में बैठक शुरू होगी और कल या फिर परसों जो पहली सूची है लोकसभा की वो आ सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। नज़र बनाए रखें तो एक तरफ बैठक चल रही है, उधर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार फिलहाल बच गई है। आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, केंद्रीय पर्यवेक्षक डीके शिवकुमार, भूपेंद्र हुड्डा के साथ साथ नजर आए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार अगले 5 साल तक चलेगी, लोकसभा चुनावों की तैयारी मिलकर की जाएगी और इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बना दी है 6 सदस्यों की। इससे पहले सुबह हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य भी करार दे दिया था। आइए सुनते हैं नेताओं को। सर, क्या सीएम बने रहेंगे और 5 सालों तक यही सीएम रहेंगे? 5 years there will be a Congress government and our honorable chief minister Sukhu is sitting adjacent to me. Sukhuji will continue till for 5 years. See, I am telling you, we have a Congress government. I say, Congress government is there. Yes. Sukhu is the chief minister.
He will be the chief minister. Why are you worried about it? I'm not worried, sir. I'm asking because why you are putting a hypothetical question? Yes. When he is chief minister, sitting chief minister, he is chief minister. Rest of all MLAs want 5 years Congress government. All are united. The High Command has chosen Mr. Shukku, which has been proposed by PCC President. और इस पर अधिक जानकारी दे रही हमारी सहयोगी नीता शर्मा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू की जो कुर्सी है वो फिलहाल बच गई लगती है। माना जा रहा था कि प्रतिभा सिंह और उनके बेटे ने काफी सारे इश्यूज रेज किए थे मुख्यमंत्री के खिलाफ, लेकिन जो ऑब्जर्वर्स आए थे दिल्ली से, भूपेश बघेल, साथ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ में डीके शिव कुमार, उनका कहना है कि ये सरकार जो है अपना पूरा कार्यकाल खत्म करेगी और सुखविंदर सिंह सुक्कू जो है वो अभी भी मुख्यमंत्री है और आगे भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। दो तीन बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। सबसे पहली ये कि उनका ये कहना था जो मुख्यमंत्री हैं कि कहीं ना कहीं उनकी भी कुछ गलतियां रही, उनकी भी खामियां रही, उन्होंने ये बात मानी कि उनकी भी कुछ खामियां रही जिसके चलते ये राज्यसभा का जो चुनाव है वो पार्टी हार गई। सब में मिलकर यही बात की कि अब पहले भी जो कांग्रेस की सरकार हिमाचल में स्ट्रांग थी और अभी भी स्ट्रांग है और आने वाले लोकसभा चुनावों में सब लोग मिलकर इकट्ठा लड़ेंगे। और जहां तक विक्रमादित्य का सवाल था, मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लिया है या नहीं लिया है, इसके ऊपर डीके शिव कुमार का कहना था कि वो यहां पर इस मीटिंग में प्रेजेंट है और कल ये जो मैटर है वो कल शाम को ही सुलझ गया था और उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। तो अभी के लिए तो कांग्रेस के लिए विन विन सिचुएशन है, लेकिन अगर बीजेपी की माने तो अभी पिक्चर बाकी है। उधर तृणमूल कांग्रेस के बाहुबली नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी उत्तर 24 परगना के मिनाखा इलाके से बीती रात की गई। बंगाल पुलिस की एक स्पेशल टीम 55 दिनों से शाहजहां शेख की तलाश में जुटी थी। शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस हिरासत में रखा गया है। टीएमसी ने शाहजहां शेख को पार्टी से भी 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी ईडी के केस में हुई है। 2 दिन पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई थी और कहा था कि जल्द शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जाए। द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हैव डिसाइडेड टू सस्पेंड शेख शाहजहां फ्रॉम द पार्टी For 6 years, read my lips, suspend him for 6 years. Why? Because there are 2 types of parties. One type of political party does talk, talk, talk. But the Trinamool Congress does walk the talk. गुरमीत राम रहीम को पेरोल पर पंजाब हरियाणा कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। कहा है कि आगे से बिना कोर्ट की इजाजत के राम रहीम को ना दे पेरोल। साथ ही हरियाणा सरकार से जवाब भी मांगा है कि राम रहीम की तरह कितनों को मिली है पेरोल, पेरोल की कितनी अर्जियां आई और कितनों को इस तरह से पेरोल दी गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 नाबालिग बहनों के शव पेड़ से लटके हुए मिले। बुधवार शाम दोनों बहनें लापता हो गई थीं। परिजन उन्हें ढूंढते हुए खेत पहुंचे, तब दोनों के शव फंदे से लटके हुए मिले। परिजनों ने एक ठेकेदार समेत 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने ये भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने आपत्तिजनक वीडियो भी बनाए थे। सांख्यिकी मंत्रालय ने जीडीपी को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक तीसरी तिमाही में विकास दर 8.4% रही। अर्थव्यवस्था के ये आंकड़े पूर्वानुमान से कहीं ज्यादा हैं। वहीं 2023-24 के दौरान विकास दर 7.6% रहने का अनुमान है। ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि रिजर्व बैंक, SBI रिसर्च सहित कई एनालिस्ट ने तिमाही के दौरान 7% या उससे कम की ग्रोथ रहने का अनुमान दिया था।